नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की निरामी सब्जी। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। मैं आलू की निरामी सब्जी बनाने के लिए 5 उबले हुए आलू ली हूँ और 3 टमाटर। तो आलू को छील कर काट लेती हूँ और टमाटर को भी छोटा छोटा काट लेती हूँ। उसके लिए मसाला क्या क्या लिए हूँ देखिए, सरसों, सूखा मिर्च, अदरक, कच्चा मिर्च, धनिया, जीरा, ये सारा मैं एक साथ पीस लूँगी। अब फ़ौरन में ली हूँ थोड़ा सा, 5 फ़ौरन, 2 सूखा मिर्च और 1 तेज पत्ता, तो सारे मैं पीस लेती हूँ। तो देखिए आलू टमाटर को मैं काट ली हूँ, आलू को काट ली हूँ इस तरह करके और थोड़ा सा मैं तोड़ के रखी हूँ। इस तरह करके डालने से ग्रेवी बहुत अच्छी होती है। और ये टमाटर को भी मैं काट ली हूँ और सारे मसाले को मैं पीस ली हूँ एक साथ। तब बनाना स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल दे देती हूँ। तेल गरम हो गया है तो 5 फोरन डाल देती हूँ, 2 सूखा मिर्च, 1 तेज पत्ता। 5 फोरन चटक गया है तब टमाटर को डाल देती हूँ। टमाटर को 2 मिनट तक चला के गला लेती हूँ। टमाटर गल गया है तो पीसी हुई मसाले को दे देती हूँ, थोड़ा सा पानी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी। अब मसाले को मैं 4-5 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। तो मसाले को मैं 4 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ, देखिए तेल छोड़ने लगा है। तो अब मैं उबले हुए आलू को दे देती हूँ। थोड़ा सा चला लेती हूँ, थोड़ा सा चला ली हूँ तो ग्रेवी के लिए पानी दे देती हूँ। अब मैं उबलने देती हूँ। ग्रेवी में उबाल आ गया है, मैं 2 मिनट तक उबाली हूँ। तब थोड़ा सा मेथी पत्ता दे देती हूँ, थोड़ा सा चला देती हूँ। अब मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आलू का निरामिस सब्जी बन के रेडी है। तो देखिए कितना सुंदर बना है, कलर भी कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार मेरे तरीके से आप लोग भी बनाइएगा और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ आरे ऐसी नई रेसिपी में।